एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश हैं, वहीं ऑपोजिशन की तरफ से मनोज झा है, आपकी पार्टी किसको सपोर्ट करने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि आज हमारे राज्यसभा के सारे जो माननीय सांसद हैं उन पर हमने व्हिप जारी किया है कि वो आज वो सब उपस्थित रहे राज्यसभा में, दिन भर उपस्थित रहे। दूसरी बात है कि जेडीयू के जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने दो बार हमारे जो नेता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी से बात कर चुके हैं इस बारे में। पहले भी एक बार बात किए थे और आज सुबह भी एक बार बात किए हैं। तो उसके बाद हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन जी, उन्होंने ऐलान किया है कि हम लोगों का सपोर्ट एनडीए के कैंडिडेट के प्रति रहेगा, माननीय श्री हरिवंश जी को हम समर्थन देंगे इस चुनाव में। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा ही नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं, जो कोरोना की स्थिति है देश में उसको नहीं। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही फरमाया है कि अभी तक कोई वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ नहीं प्रामाणिक तौर पे, तो सारे देश कोशिश कर रहे हैं, भारत का भी प्रयत्न जारी है। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं निकलता है तो हमें तो सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क यूज करने का सवाल है और बाकी जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें लगता है लेकिन इसका काफ़ी महत्व रखता है इस स्थिति में। तो सही बात, जब तक कोई वैक्सीन नहीं निकलता है, कोई अच्छा दवा पॉजिटिव मेडिसिन नहीं निकलता है, तो हमें ये सारा रिस्क हमें अपने ऊपर लेना ही पड़ेगा।